नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो आज हम बनाएंगे बाम फिश करी। तो चलिए देखते हैं बाम फिश करी बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया हूँ। अरे एक कांटे का फिश होता है, ये बच्चे भी पसंद करते हैं। अरे हल्दी भी होता है, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए बाम फिश करी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर बाम फिश ली हूँ और इसको अच्छे तरह से मैंने धो के साफ़ कर ली हूँ। अब इसमें हम देखिए ऐसे होता है बाम फिश, और देखिए एक ही कांटा होता है। तो चलिए अब इसमें हम हल्दी पाउडर और नमक मिलाते हैं। मसालों में मैंने क्या क्या लिया हूँ, तो मीडियम साइज़ का प्याज ली हूँ, दो टुकड़ा अदरक और लहसुन की कलियाँ, अब इसको हम पीसेंगे। और इधर हमने लिया हूँ खड़ा मसाला, तो खड़ा मसाला में हमारा है धनिया, काली मिर्च, एक टुकड़ा दालचीनी, आधी चम्मच जीरा और हरी मिर्च 8 है, और दो टमाटर, इसको भी एक साथ पीसेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी फिश मसाला और देगी मिर्च। तो चलिए पहले हम मछली में हल्दी नमक मिला लेते हैं। अब देखिए मैं स्वाद अनुसार नमक, अब हल्दी पाउडर मिलाएंगे। मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर भी डाल दिया हूँ, मैंने एक चम्मच हल्दी पाउडर ली हूँ। तो चलिए अब मछलियों में हल्दी नमक मिला लेते हैं। तो चलिए अब हल्दी मछली में हल्दी नमक मिला लेंगे। मैंने मछलियों में हल्दी नमक मिला लिया हूँ। तो चलिए अब मसाला को हम पीस लेते हैं। तो पहले हम प्याज अदरक और लहसुन को पीस लेते हैं। जब मैं खड़ा मसाला लिया था, और टमाटर हरी मिर्च को एक साथ पीस लूँगी। फ्राई पैन चढ़ा दिया हूँ, तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे तेल। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम मछली को फ्राई कर ले। तेल गर्म हो गया है, तो चलिए अब मछली को हम एक एक करके डाल देते हैं। ये मेरा मछली एक तरफ फ्राई हो गया है, तो चलिए अब मछली को हम घुमा देते हैं। तो ऐसे कर हम सारे मछली को घुमा देंगे। मछली फ्राई हो गया है, तब मछली को हम निकाल लेंगे। अब सारे मछली हम ऐसे ही भूंज लेंगे। सबसे लास्ट वाला मछली हम फ्राई कर रहे हैं, सारा मछली हमारा फ्राई हो गया है। देखिए मैंने उसमें तेल डाल दिया हूँ, जब तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम जो दो प्याज काट कर रखे हूँ मीडियम साइज का, वो प्याज हम डालेंगे। तो मैं प्याज को भूंज लूँगी गोल्डन कलर तक। तो चलिए प्याज को हम भूंज लेते हैं। ये प्याज गोल्डन कलर का हो गया है, इसमें जो हमने प्याज अदरक और लहसुन को पीस के रखे हैं उसका पेस्ट हम डाल रहे हैं। अब इसको हम भूंज लेंगे थोड़ी सी। ये मैंने प्याज डाल के थोड़ी सी भूंज लिया हूँ। अब इसमें जो टमाटर और खड़ा मसाला पीस के रखे हुए, अब उसको हम डाल देते हैं। देखिए मसाला को हम डाल रहे हैं। देखिए मैं मसाला को डाल के मिला भी लिया हूँ। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। चलिए मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। मैं डाल रही हूँ एक चम्मच हल्दी पाउडर। देखिए मैं एक चम्मच हल्दी पाउडर, अब जो हमने देगी मिर्च और फिश मसाला लिया हूँ, अब उसको भी हम डाल देंगे। चलिए अब देगी मिर्च और फिश मसाला को डाल देते हैं। देखिए देगी मिर्च और फिश मसाला, अब मसाला को मैं अच्छी तरह से भूंज लूँगी, जब तक ना हमारा हल्की सी ऊपर में मसाला में तेल ना आ जाए। तो चलिए अब मसाला को मैं अच्छी तरह से भूंज लेती हूँ। मसाला भूंज गया है और मसाला में ऊपर तेल भी आ गया है। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते पानी। चलिए अब इसमें हम डालेंगे पानी, और थोड़ी सी पानी डालूँगी। देखिए मैं एक गिलास पानी डाल रही हूँ। तो चलिए अब एक गिलास पानी डाल देती हूँ, और जो हमारे किनारे में मसाला लगा है उसको भी हम मिला देती हूँ नीचे पानी के साथ। तो चलिए जब हमारा मसाला पानी में खोल आ जाएगा, उसके बाद हम मछली को डाल देंगे।
देखिए तरी में खोल आ गया है, अब हम मछली को डाल देते हैं। तो चलिए सारे मछली को हम डाल देंगे। तो देखिए मैंने सारे मछली को डाल दिया हूँ, अब हम तुरस मिला लेते हैं मछली को तरी के साथ। अब मैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूँगी, स्लो करके मैं 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में पका लिया हूँ। अब गैस की फ्लेम को मैं हाई कर दूँगी, फिर थोड़ी सी तार चारों तरफ से जब खोला जाएगा उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए मैं गैस की फ्लेम को हाई कर दिया हूँ, देखिए कितनी सुंदर बनी है हमारा बाम फिश करी, कितनी अच्छी लग रही देखने में। तो चलिए हमारा फिश करी बिल्कुल बनकर तैयार। देखिए हमारा बाम फिश करी बिल्कुल बनकर तैयार। तो चलिए अब खाना खा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।